तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को जो कि 12/12/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो। क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन है, द बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा बाई चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड। नीचे दी गई तालिका वर्ष 1998 से 2002 के दौरान एक कारखाने में निर्मित साइकिलों की संख्या दर्शाती है। अपनी पसंद का पैमाना चुनकर इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक साइकिलों का निर्माण किस वर्ष में हुआ। दूसरा, सबसे कम संख्या में साइकिलें किस वर्ष निर्मित की गई। ये टेबल है, ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ये डायग्राम एक ग्राफ पर बनाना है और ग्राफ के लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल से बनाना, ध्यान रखना, मैंने हाथ से बनाया है, थोड़ा इधर उधर है, सीधा नहीं है, चीज़ ध्यान में रखना, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और ये वाई, क्लियर है। इधर वर्ष लिखेंगे यानी ईयर, क्वेश्चन में दिया 1998, 99, 2000, 2001, 2002। इधर हम लिखेंगे निर्मित साइकिलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अब इधर आपको पैमाना लेना है, 10-10 का 20-20 का अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हाईएस्ट नंबर है 75, तो कम से कम 80 तक आपका होना चाहिए, चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन 80 से कम नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले 1998 में जो निर्मित साइकिलों की संख्या है 75 थी, तो 70 और 80 के बीच में देखना है। ग्राफ पेपर पर 10 लाइनें होंगी, लाइन से ऐसे लाइनें बनी होती हैं, काउंट कर लेना, ठीक है, 5 लाइनें, 70 से ऊपर 5 लाइनें, 70 और 80 के बीच में 10 लाइनें होंगी, तो 70 से ऊपर 70 ये है, 71, 72, 73, 74, 75 कहीं पर आधे पर होगा, 10 लाइनें इन दोनों के बीच में साफ साफ होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 75 का, ऐसे बना दो, ठीक है। इसके बाद में 1999 में 55 है, तो 50 और 60 के बीच में 55 होगा, बीचों बीच में, ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे कहीं बीचों बीच में होगा, 5 लाइनें काउंट करके ऊपर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो 55 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको आप ऐसे मिला देना। इसके बाद में 2000 में 37 थी, तो 37 देखो, तो 30 और 40 के बीच में आपको 10 लाइनें मिलेंगी, 37 काउंट कर लेना, 37 यहीं कहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 37 हो जाएगा। इसके बाद में 2001 में 29 है, तो 20 और 30 के बीच में 29 एक कम होगा, 10 लाइनें होंगी, एक कम होगा, इस हिसाब से कहीं अंदाजे में यहाँ पर होगा, आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाना। इसके बाद में 2002 में 10 है, तो 10 आपका साफ साफ पता चल रहा है, ये ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आप डार्क भी कर सकते हो या फिर कोई कलर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चाहो तो ये नंबर आप इनके बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दंड आलेख, क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन किया गया था, पहला क्वेश्चन था, कह रहा था कि सबसे अधिक साइकिलों का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो ध्यान से देखो यहीं पर पता चल जाएगा, सबसे अधिक 75 1998 में, पहले का आंसर। दूसरा कह रहा है, सबसे कम संख्या में साइकिलें किस वर्ष निर्मित हुई, सबसे कम साइकिलें कब बनी, ये देखो 2002 में, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड का ऐसे लिख लो, क्लियर है। तो दोनों आंसर हो जाएंगे, इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।